तो दोस्तों हमने देखो ये इसमें स्विच किस लिया है, ये दो पेच हैं स्विच वाले, इसमें एमसीबी किस ली है, इसमें वोल्टेज मीटर किस लिया है, ये पुश बटन है, ये हमारा एम्पियर मीटर है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारी वो प्लेट है जिसमें हमारे मोटर के तार लगेंगे कनेक्शन की RYB। तो दोस्तों इसमें लगेगा हमारा P लिख रहा है जिसमें इसमें फेस लगेगा, N लिख रहा है इसमें न्यूट्रल लगेगा, और इसमें हमारे मोटर के तीन तार लगेंगे, इसमें रेड वाला लगेगा, इसमें येलो वाला लगेगा और इसमें ब्लू वाला लगेगा, RYB, ठीक है दोस्तों। और ये हमने आपको समझा दिया, अब हम आपको इसका अंदर का दिखाते हैं। तो अंदर इसमें ये प्लेट है, इस प्लेट में जैसे 5 सुराख ये थे फेस न्यूट्रल और RYB के, वैसे ही 5 सुराख ये हैं, इनमें कनेक्शन आएंगे, ये स्विच है इसमें भी कनेक्शन होंगे, और ये हमारा मीटर है एम्पियर, इसमें कनेक्शन वोल्टेज मीटर, और ये हमारा पुश बटन, और ये MCB हम इनमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने MCB में एक वायर ये किस लिया है, और इधर लगा लिए हमने दो वायर। तो जो ये वायर है ये हमारे प्लेट के इस पहले वाले में आएगा फेस में, इसको मैं किस लेता हूँ दोस्तों। तो जो ये MCB का नीचे वाला एक वायर है सिंगल, वो इसमें मैंने पहले वाले में पहले सुराख में किस लिया फेस वाले में, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारे MCB के जो दो वायर बचे हैं इनमें से एक आएगा हमारे इसमें स्विच में, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसे आपको स्विच में किस कर दिखाता हूँ, ये हमारा स्विच में किस गया पहले में, ठीक है। अब हमारा ये वायर बचा जो दूसरा, ये वोल्टेज के इसमें जाएगा, इसको हम इसमें किस लेते हैं, ऐसे 8 की गोटी से इसको टाइट कर लेना है। अब स्विच में से जो ये नीचे से वायर है MCB में, इसमें स्विच में फेस आ गया, अब फेस को यहाँ स्विच से उठाना है, और स्विच से ऐसे वायर खींचने के बाद इसको दे देंगे हम, देखो यहाँ वायर खींचा और इसको दे दिया हमने, तो ये स्विच से यहाँ से वायर उठा और ये चला गया त्यारे यहाँ पर एम्पियर मीटर के इसमें, ठीक है एक पॉइंट में। आप इसमें कोई समय दे सकते हो, मैं इसमें दे रहा हूँ, आठ की गोटी से ऐसे टाइट कर लेना है इसको, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से होते हुए जाएगा ऐसे बेल्ट से होते हुए, ठीक है, ये स्विच से उठा और इसमें गया। अब हमारा जो ये वायर है इसमें, ये हमारा एम्पियर मीटर से दूसरा फेस वायर आएगा स्विच के बाद, एम्पियर मीटर का जो दूसरा पॉइंट है यहाँ से हमने ऐसे वायर ले लिया इस पट्टी के साथ साथ, और इसको हमने फिर लगाना है अंदर मोटर चलाएगा, इसको लगाना हमें इसे तीसरे वाले कनेक्टर में, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है दोस्तों। इसमें तीसरे वाले में लगा दिया हमने ये,
तो फेस के कनेक्शन मैंने आपके सामने कर दिए। अब करते हैं हम न्यूट्रल के कनेक्शन दोस्तों। तो न्यूट्रल के लिए अब यहाँ से हमने इसको फेस दे दिया एमसीबी से, जो वी मीटर है। अब इसको हम न्यूट्रल देंगे, तो न्यूट्रल देंगे हम इस पुश बटन के थ्रू। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा वायर खींच लेता हूँ और ये डाल देता हूँ इसमें पुश स्विच के एक कनेक्टर में, वैसे ये देखिए। ठीक है दोस्तों, और इसका जो दूसरा ये सिरा बचा है इसको मैं न्यूट्रल दूंगा। तो ये हमारा न्यूट्रल वायर है, इसको किस देता हूँ मैं इस दूसरे वाले सिरे में। तो मैंने ये यहाँ पर इसमें ये वायर किस लिया है दूसरे वाले में, देखिए। और यहाँ से मैं ले आया इसे दूसरे नंबर के कनेक्टर में, जिसमें हमारा ये एन लिखा हुआ है न्यूट्रल, ये दूसरा। तो अंदर थे इसी में, ये दूसरे वाले कनेक्टर में इसको किस देता हूँ। और जो जब मैंने इसको इस न्यूट्रल वायर को इस दूसरे वाले कनेक्टर में घिसा, तो ऐसा एक छोटा सा वायर लिया है और इसको हमने यहाँ इस लास्ट वाले पांच नंबर में देना है। इसको हम यहाँ पर पांच नंबर में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सबन के कनेक्शन कंप्लीट हो गए कि इसको हमने यहाँ फेस वायर दिया स्विच से, स्विच से, हाँ दे दो कैपेसिटर, स्विच से हमने फेस वायर इसको यहाँ दे दिया और फेस वायर यहाँ से उठाया इसके दूसरे पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट से फेस वायर को उठाकर हमने इसमें दे दिया फेस वायर को तीसरे वाले में, जो हमारे कैपेसिटर में लगेगा। कैपेसिटर लगा के दिखाता हूँ मैं तुमको, ये हमारा 36 MFD का कैपेसिटर है। जो एम्पियर मीटर में पैर हो है। एक वायर कैपेसिटर का हमने चौथे नंबर की पिन में खींच लिया, और एक कैपेसिटर का वायर इस तीसरे नंबर की पिन में खींच लेंगे, जो हमारे वहाँ से एम्पियर मीटर से आउटपुट आ रही है। तो दोस्तों, एक तो हमने कैपेसिटर का इस चार नंबर वाले में लगा लिया है और एक इस तीन नंबर वाले में लगा लिया, तीन नंबर जो हमारा एम्पियर मीटर से आया था। ठीक है साथियों, तो कनेक्शन आपके समझ में आ गए होंगे। फिर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये हमारे पांच पिन हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। पहली पिन से हमने वायर उठाया और इसमें एमसीबी में दे दिया यहाँ पर, और एमसीबी से हमने ये दो वायर उठाए, एक तो ब्लू यहीं के यहीं इसमें दे दिया वोल्टेज मीटर में, और दूसरा उठा के दे दिया हमने इसमें स्विच में। ठीक है, इस स्विच में, और यहाँ से स्विच के दूसरे पॉइंट से हमने वायर उठाया और दे दिया एम्पियर मीटर में। एम्पियर मीटर से हमने ये वायर उठाया फेस का, और हमने यहाँ पर ला कर इसमें पिन में दे दिया तीसरे नंबर वाले में है, और तीसरे नंबर में दे के हमने कैपेसिटर का एक वायर इस तीसरे नंबर वाले में जोड़ दिया, और एक चौथे नंबर वाले में। चौथे नंबर वाले में खाली कैपेसिटर का जोड़ना है, इसके साथ कोई वायर नहीं जोड़ना। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो न्यूट्रल का कनेक्शन है, न्यूट्रल का देख लीजिए। न्यूट्रल हमने यहाँ से लिया दूसरे नंबर की पिन से, और दूसरे नंबर की पिन में न्यूट्रल के साथ हमने एक वायर जोड़ के और ये इसमें जोड़ दिया लास्ट वाले में। ठीक है दोस्तों, और ये न्यूट्रल का वायर यहाँ से उठाकर और ये दे दिया हमने इसमें पुश बटन में, और पुश बटन से हमने वायर उठाकर
दे दिया हमने न्यूट्रल का इसमें वोल्टेज मीटर में, तो वोल्टेज मीटर को फेस यहाँ से मिल गया और न्यूट्रल जब हम ये पुश बटन दबाएंगे नीचे से तो न्यूट्रल यहाँ आएगा और ये वोल्टेज शो करेगा। तो एम्पियर मीटर के कनेक्शन हो गए, वोल्टेज मीटर के हो गए, पुश के आपको दिख गए, स्विच को दिख गए, और ये कनेक्शन हमारे दूसरे वाले जो एमसीबी के हैं, एमसीबी के मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ से दो वायर उठाना है, यहाँ से ये फेस वायर देना है, और कैपेसिटर का वायर हमने बता दिया तीसरे नंबर की पिन में, चौथे नंबर की पिन में, बारीकी के साथ में हमने सारी चीज़ें समझाई हैं। अब मैं इनको बेल्ट लगा लेता हूँ और आपको इस पैनल को टेस्ट करके दिखाएंगे हम। ये DMD देव महलावत डकोरिया के नाम से एक पैनल है, इसमें आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, पी में फेस देना है, एन में न्यूट्रल देना है, और इसमें आर लिखा हुआ है, इसमें हमारा जो मोटर का लाल वायर वो देना है, और जिसमें वाई लिखा हुआ है उसमें पहले वाला जो तार होता है वो देना है, जिसमें बी लिखा हुआ है उसमें वो नीले वाला तार देना है, जो मोटर के हमारे तीनों तार होते हैं वो देने हैं, ठीक है, समरसीबल के। और ये स्विच हमारा बंद चालू करने का काम करेगा, ये MCB हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करेगी, अगर हमारी मोटर ज़्यादा एम्पियर लेगी तो MCB ट्रिप हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये वोल्टेज मीटर हमारा इस पुश बटन को दबाने पर वोल्टेज दिखाएगा, ये एम्पियर मीटर हमारी मोटर के एम्पियर दिखाएगा कि कितनी मोटर ले रही है, हमारे कितने एम्पियर ले रही है हमारी मोटर, अगर अधिक एम्पियर ले रही है तो MCB ट्रिप हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें बेल्ट लगा लेता हूँ और आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं, ये हमने इसके वायर लगा लिए पहले और दूसरे में, और लगाने के बाद फिर हमने ये पुश बटन दबाया और ये इसने वोल्टेज बता दिया, ठीक है, वोल्टेज शो कर दिया। अब देखिए ये हमने तीसरे उसमें लगाया है, तो इसका नहीं लग रहा पहले, इसका ये हमारा सीरीज लैंप ग्लो हो गया, एक पहले में लग रहा है, दूसरा तीसरे में लग रहा है। अगर हम इससे यहाँ से स्विच को बंद करते हैं तो हमारा सीरीज लैंप बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम अगर चौथे में लगाते हैं तो ये अंदर नीचे मोटर में समर्थ बन जाएगा, ये हमारा बटन दबाते ही बल्ब ग्लो हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हम हमारे कैपेसिटर वाले में लग गया है, और अब हम अगर लास्ट वाले में लगाते हैं पाँचे में तो हमारा पुश बटन चालू होना चाहिए, ये चालू हो रहा है। अब मैं इसका अंदर से आपको दिखा देता हूँ बेल्ट लग के कैसा लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये बेल्ट लगने के बाद ऐसा लग रहा है, ठीक है। कनेक्शन हम आपको बार बार बता रहे हैं, कई बार मैंने आपको बता दिए, इसमें हमारा पी फेस, इसमें न्यूट्रल, इसमें रेड लाल वाला, इसमें येलो पीले वाला, और इसमें बी ब्लू वाला, ठीक है। और ये फेस यहाँ से उठेगा और डायरेक्ट जाएगा ये MCB में, और MCB में से दो वायर उठेंगे, एक ये रहा और एक ये ब्लू वाला, ब्लू वाला इसमें चला जाएगा वोल्टेज मीटर में, और ये आ जाएगा हमारे यहाँ स्विच में, और स्विच में ये जो इसमें ये किस गया दूसरे में से पॉइंट उठेगा और वो जाएगा डायरेक्ट हमारे इसमें मीटर में, और मीटर से हमारा जो ये है दूसरे वाला कनेक्शन ये उठेगा, और मीटर से घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए और मीटर से, और ये इसमें आ जाएगा हमारे तीसरे नंबर वाली में इस, और तीसरे नंबर में इसके साथ जुड़ जाएगा ये कैपेसिटर का तार, और दूसरा कैपेसिटर का तार जुड़ जाएगा चौथे वाली में, ठीक है दोस्तों। और अब हमारा न्यूट्रल देख लीजिए, न्यूट्रल का दो वायर हम जॉइंट करेंगे यहाँ पर, एक छोटा सा वायर काट के हम यहाँ पर पाँचे नंबर की पिन में दे देंगे जो हमारे ब्लू वाली तार में लगेगा मोटर वाली में कॉमन वाली में, और न्यूट्रल, और एक यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा हमारे ऐसे होते हुए इस पुश बटन के लिए, ठीक है दोस्तों, इस पुश बटन के लिए, और इस पुश बटन से होते हुए इसके दूसरे पॉइंट से होते हुए ऐसे इसमें वोल्टेज मीटर में चला जाएगा। फिर इस वोल्टेज मीटर को यहाँ से मिल गया, और न्यूट्रल इस पुश बटन से दबाने पर यहाँ मिलेगा, और ये हमारा काम करेगा, वोल्टेज शो करेगा। तो सारे कनेक्शन आपके समझ में आ गए होंगे, अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुनीम इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन 09 चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सकें।